दोस्तों, बॉलीवुड में कई सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके फिल्म आने का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं, और उन्हीं में से एक एक्ट्रेस है बिपाशा बासु, जिन्होंने इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के अपनी पहचान बनाई और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। बेशक आजकल ये अपने ग्लैमर और लाइमलाइट की दुनिया से दूर है और किसी भी फिल्मों में नजर नहीं आती है, लेकिन आज भी इनके फैंस इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बिपाशा बासु की पूरी लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं और करेंटली ये कैसी लाइफ स्टाइल जीती है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिपाशा बासु बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक फेमस, बोल्ड और मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। बिपाशा का जन्म 7 जनवरी 1979 को न्यू दिल्ली में हुआ और साल 2022 के हिसाब से ये है 43 इयर्स की। दोस्तों, बिपाशा के फादर एक इंजीनियर थे और इनकी माँ एक होममेकर थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन APJ हाई स्कूल दिल्ली से कंप्लीट की, लेकिन बाद में ये कोलकाता शिफ्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने अपनी आगे की स्कूलिंग पढ़ाई भवंस गंगा वक्स कनौरिया विद्या मंदिर से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरी की। बिपाशा अपनी स्कूलिंग दिनों में अपनी पढ़ाई में काफी अच्छी थी और ये हमेशा क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी, जिसके वजह से इनको स्कूल में लेडी डॉन भी बोला जाता था। इसके बाद ईयर 1996 में बिपाशा कोलकाता के एक होटल में मॉडल मेहर जेसिया से मिली, जिन्होंने इनको मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का सलाह दिया, जिसके बाद मियामी में बिपाशा बासु ने फोर्ड मॉडल सुपर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया, जिसके बाद बिपाशा फैशन मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी और साथ ही साथ एक्ट्रेस बनने का सपना भी सजाने लगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। साल 2001 में बिपाशा ने गोदरेज सिंथोल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लिया और इस शो को जज कर रहे थे एक्टर विनोद खन्ना। इसके साथ साथ आपको बता दे, विनोद खन्ना अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ बिपाशा बासु को लॉन्च करना चाहते थे। इसी दौरान इन्होंने बिपाशा को कई सारे फिल्म की भी ऑफर्स दिए, लेकिन बिपाशा ने इन सारे फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। कई सारे फिल्म को करने से इनकार करने के बाद फाइनली साल 2001 में बिपाशा ने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म अजनबी से। इस फिल्म में इनके स्टार थे अक्षय कुमार और ये फिल्म सुपर हिट हुई थी और इस फिल्म के लिए इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2002 में बिपाशा ने अपना तेलुगु डेब्यू भी किया फिल्म टकारी डोंगा से। इस फिल्म में इनके स्टार थे महेश बाबू। इसके बाद ये लगातार पॉपुलैरिटी गेन करती गई। इसके बाद मानो इनका किस्मत ही चमक गया, जिसके बदौलत साल 2002 में बिपाशा लगातार 5 सुपरहिट फिल्मों में नजर आई, जैसे राज, आंखें, मेरे यार की शादी है, चोर मचाए शोर और गुना। साल 2002 में लगातार पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद ये साल 2003 में फिर से लगभग 5 से 6 फिल्मों में नजर आई, जैसे तुझे मेरी कसम, जिस्म, फुटपाथ और जमीन। इसके बाद बिपाशा कभी अपने लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखी और लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में नजर आने लगी। हिंदी फिल्म्स, तेलुगु और तमिल फिल्मों के अलावा बिपाशा बासु कई सारे बंगाली फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। लास्ट टाइम बिपाशा बासु फिल्म अलोन में नजर आई थी और इसी साल यानी की साल 2015 में ही इन्होंने रियलिटी शो डर सबको लगता है को होस्ट किया। इसके बाद इन्होंने साल 2020 में अपना डिजिटल डेब्यू भी किया वेब सीरीज डेंजरस से। बात करें इनके फैमिली की, तो इनके फादर का नाम है हीरक बासु और इनकी माँ का नाम है ममता बासु। इसके साथ साथ इनकी दो बहनें भी हैं। बात करें इनके पर्सनल लाइफ और अफेयर से जुड़ी, तो बिपाशा बासु मैरिड है। इन्होंने साल 2016 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की। बात करें इनके हाउस की, तो फ्रेंड्स बता दे, बिपाशा बासु अपने हस्बैंड के साथ मुंबई के बांद्रा में ही रहती है। बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास कई सारे लग्जरी कार के कलेक्शन हैं और इनकी पहली कार कलेक्शन में है बोलकास बैगन वेटल, जिसकी कीमत है लगभग 30 लाख रुपए, और दूसरी कार है इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी कीमत है लगभग 35 लाख रुपए, और तीसरी कार है इनके पास ऑडी Q7, जिसकी कीमत है लगभग 90 लाख रुपए। बात करें इनके इनकम की, तो ये अपने एक फिल्म में काम करने के लिए 3 से लेकर 4 करोड़ तक चार्ज करती है। इसके साथ साथ इनका इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से भी होता है। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो इनका टोटल नेटवर्थ है 115 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स, ये थी बिपाशा बासु के लाइफस्टाइल से जुड़ी वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।